नमस्कार, मैं रचना सिंह। रुक करेंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान पहुंचे हैं। यहां एयरपोर्ट पर उनके जबरदस्त स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पीएम मोदी यहां ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के कजान पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। वे रूस की अध्यक्षता में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पर आए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, जिसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से सतर्क है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस भी चुनाव आयोग का पूरा समर्थन कर रही है। इस क्रम में पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुपयों से भरी एक कार पकड़ी है। इसमें से पुलिस ने 5 करोड़ की नकदी भी जब्त कर ली है। वहीं अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि ये रुपए एकनाथ शिंदे के लोगों के लिए ले जाए जा रहे थे। खबर यूपी के इटावा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मैं हमेशा से इनके खिलाफ हूं और ये असंवैधानिक है। वहीं तेज प्रताप यादव आज नामांकन करेंगे। करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि आज अपना नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर दाखिल करेंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सैफई में मीडिया से बातचीत की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूरी तैयारी, सारी जनता जाना चाहती है तो हम तो ज्यादा बड़े पैमाने पर भीड़ के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त तरीके से लोग जाएंगे और तेज प्रताप को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे आने वाले दिनों में जब वोट होगा। तो अन्य सीटों के लिए सर क्या तैयारी है? जो सीटें हर जगह तैयारी, एक सीट के लिए एक क्षेत्र एक जिला ही पर्याप्त होता है। हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश खाली है। जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, रोज होता है, दैट इज नॉट न्यू। ये तो इट इज़ द फेलियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कहते थे कि मैंने सब कंट्रोल कर लिया जम्मू कश्मीर में, शांति है। कब शांति हुई? एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमारे सैनिक न मारे जाते, एक दिन। दिल्ली में भी कल ब्लास्ट हुआ है, रोनी में। वो तो अभी कोई तय नहीं हो सकता है, कोई चीज़ हो, लेकिन उसमें कोई आतंकवादी इस तरह की नहीं हो सकती जहाँ तक मैं समझता। बहराइच में बुलडोजरी कार्रवाई को कोर्ट ने भी खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह और साथी उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुलाब चंद की उपस्थिति में एनआईसी कक्ष में ईवीएम का पहला रेजिमाइनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज ने कहा है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करना हमारी प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुलाब चंद ने भी बताया कि अपने विचार साझा करते हुए कहा है कि प्रक्रिया चुनाव की निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी और साथ ही निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। से है, जहां बुढ़ाना कांड पर हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया है। बहराइच में गोपाल मिश्रा की हत्या पूरे विश्व ने देखी, बुढ़ाना में भी ऐसा ही हो सकता था। पूरे देश में ये एक साजिश चल रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुढ़ाना के अंदर 2013 में जो नंगला मंदोड़ में महापंचायत हुई थी, उस विषय को लेकर के कोर्ट में आज हम पेश हुए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जो बवाल हुआ है, पथराव किया गया है, कोर्ट के बाद बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बुढ़ाना के अंदर
जो हजारों की संख्या में और रात्रि के समय में जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हर जगह ये भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इस भीड़ का मकसद आरोपी को जेल डलवाना नहीं, कुछ और कराना है। 2013 में जो नंगला मंदोड़ में महापंचायत हुई थी उस विषय को लेकर के कोर्ट में आज हम पेश हुए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जो बवाल हुआ है, पथराव कह रहे हैं, कोर्ट के बाद बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बुढ़ाना के अंदर जो हजारों की संख्या में और रात्रि के समय में जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हर जगह ये भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इस भीड़ का मकसद आरोपी को जेल डलवाना नहीं, कुछ और। झारखंड में सत्ताधारी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मची राड पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि चाहे झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, सीटों के पेच से ज्यादा गठबंधन में कई सियासी कुरपेच हैं। चाहे अघाड़ी हो या फिर गठबंधन, उनके खानदानी खिलाड़ी एक ही आकांक्षा है और साथ ही वो है सत्ता में आने की। जिस दिन गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है उसमें पेच के अलावा खुरपेच भी है। कांग्रेस की मानसिकता सहयोगियों को साथ लेकर चलने की नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों की कोई अहमियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अब योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पारदर्शिता लाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिया है, जिसमें एनकाउंटर वाली जगहों की वीडियोग्राफी से लेकर पोस्टमार्टम तक की वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस से संबंधित दिशा निर्देश डीजीपी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत अगर पुलिस एनकाउंटर में कोई भी अपराधी घायल होता है या फिर किसी की भी मौत हो जाती है तो शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के पोस्टमार्टम को लेकर पारदर्शिता बरतने को कहा गया है। डीजीपी ने कहा है कि अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो दो डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर शूट आउट हुआ है वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। डीजीपी की तरफ से यह कहा गया है कि जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी, बल्कि दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी। एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच करेंगे। एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिजनों को भी इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी और साथ ही इसकी जानकारी पंचनामा रिपोर्ट में भी देनी होगी। एनकाउंटर के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनको भी सरेंडर करना होगा ताकि उन हथियारों की भी जांच हो सके और साथ ही जिन मामलों में अपराधी घायल होते हैं उनसे बरामद किए गए हथियारों का भी। महाराज में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसका आदेश स्पष्ट है, आदेश का उल्लंघन करने वाले पर सचेत रहें। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एनकाउंटर कर अपराधियों को चित कर रही है। घटना पिछले दिनों चाहे सुल्तानपुर डकैती की हो या चाहे बहराइच हिंसा के बाद हुए एनकाउंटर की हो, जिस पर अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जानकर आप हैरान हो जाएंगे, डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसको लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें साफ तौर में जिक्र है कि एनकाउंटर में किसी भी अपराधी की मौत या घायल होने पर पुलिस को शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करवानी होगी। अपराधी की मौत के बाद दो डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा, इस प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां फॉरेंसिक टीम भी जांच करने जाएगी और सबसे अहम बात यह है कि जहां एनकाउंटर हुआ है वहां दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच की ओर से जांच कराई जाएगी।
खबर फरुखाबाद से है, जहां एसओजी टीम और थाना पुलिस ने शहर के बीचों बीच नवनिर्मित गेस्ट हाउस में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध बारूद पकड़ा है। और नवनिर्मित गेस्ट हाउस यानी कि पूर्व सभासद पुरुषोत्तम वर्मा ने बताया है, वहीं पुलिस ने गेस्ट हाउस के अंदर मीडिया के जाने पर रोक लगा दी है, जिससे लगता है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां दिव्यांग युवक खुद को जिंदा करने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा। लगभग 6 महीने पहले दिव्यांग व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। पिछले 3 माह से पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। कागजों में मृतक होने के चलते दिव्यांग सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है। कहाँ के रहने वाले? गुंदरागंज पंचायत नगर थाना टावर ब्लॉक टावर। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि मुझे मृतक घोषित कर दिया गया है 19/6/2024 को। जब इसे मुझे जानकारी पड़ी, मैंने ये दिखवाई कि मेरी विकलांग पेंशन नहीं आ रही है, तो मैं इधर उधर ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, मगर अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो? करीब 6 महीने मुझे हो गए चक्कर लगाते। पीलीभीत से है, जहां सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण कार्य बंद करा दिया है, जमकर हंगामा भी किया है। आपको बता दें कि पुराना पत्थर डालकर सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। अभियंताओं की गैर मौजूदगी में मनमाने तरीके से कार्य कराने का आरोप लगाया गया है। 3.76 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही थी, वहीं अब जांच के बाद निर्माण कार्य शुरू होने दिया जाएगा। हेलो, मैं प्रकट सिंह, निवासी कारोबोज। ये जो दूरिया कला मार्ग बन रहा है, इसकी मरम्मत हो रही है नए सिरे से। इसका बढ़िया करके ना तो फिनिशिंग पाउडर डाला जा रहा है, ना बजरी, ना बोरिंग, ना ऊपर जो बराइक वाला दाना पड़ता है वो भी नहीं है। बिल्कुल देखिए इधर, मुझे 1.5 इंच भी मार नहीं है। बिल्कुल सड़क की तरह उड़ रहा है, धूप की तरह बजरी उड़ रही है। इसमें पूरा कुलतार भी नहीं डाला जा रहा। और आगे उनको बोला लेबर वाले हैं, और कोई इनका जिम्मेदार आदमी यहाँ पे है नहीं। कोई पत्रकारियों से बताना चाहते हैं, पत्रकार बंधु यहीं है। और ये देखिए, ये देखो कहाँ से उड़ रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम है बजीर सिंह, काराबोल के रहने वाले हैं। क्या दिक्कत है यार? अरे रोड पे कुछ भी नहीं पड़ रहा है, रोड पे मैं तो आधा इंच भी नहीं माल पड़ रहा, पैर से सब उड़ रहा है। सही बनता तो चलता, ये तो चलेगा नहीं 10 दिन में। शिकायत विकायत नहीं की इसकी कहीं? है शिकायत नहीं की? शिकायत तो की है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा इसकी। देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।